आ गया जी, आ गया। आ रहा हूं, एक सेकेंड बस। रमशा तुम कहां मर गए थे कल मुंह में? कुछ नहीं, साफ सफाई कर रहा था मैं। जबान चलाते हो शोहर कहीं के, अपनी औकात में रहा करो। जाहिल मर्द, जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। पानी लेके आओ? हर वक्त हितलट की तो डांटती रहती है खड़ूस। एक तो ऑफिस से थक के और ऊपर से इस फुहड़ आदमी के ड्रामे देखो, पता नहीं कब मेरी इस डफर से जान छूटेगी। ये लो पानी। तुम क्या बेकार आदमियों की तरह खड़े हुए, नीचे बैठो और मेरी सैंडल्स उतारो। जी जी अभी उतार देता हूँ। ये ग्लास पकड़ के टेबल पर रख दो। जाहिल आदमी, क्या हुआ? यही सैंडल अगर तुम्हारे मुंह पे मारूं ना तुम्हें पता चलेगा। इतने जोर से मेरे पांव में दर्द कर दिया। आदमी कहीं के तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी ये तरबियत की है, घटिया खानदान की औलाद। ज्यादा लगी तो नहीं आप? जाहिर है लगनी ही थी, ऐसा कमबख्श शोहर जो मिल गया मुझे। अब गुस्सा मत करो, जस्ट रिलैक्स। स्वीटहार्ट आज डिनर पे चलें, मौसम भी बड़ा अच्छा है। देखते हैं, तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा ना। वैसे जानू एक बात तो बताओ, तुम्हारा मुंह देखकर तो लग रहा है कि आज पूरा दिन मर्दों की तरह रोते धोते रहे हो, कि मैं बहुत जुल्म करती हूँ तुम पे, बहुत जालिम हूँ। कसम से रमशा, मैंने तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं लगाई, बल्कि मैं तुम्हारी बड़ी इज्जत करता हूँ, सच्ची। और शोहर का तो काम ही है अपनी बीवी की इज्जत करना। हाँ हाँ पता है मुझे, वैसे भी मैंने तुम पे क्या जुल्म किया बताओ? तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हें बताया होगा ना अगले घर जाके क्या करना है। अगर तुम घर की सफाई वगैरह करते हो या खाना वगैरह बनाते हो तो ये तो तुम्हारा काम है ना, मर्द होते ही किस लिए। और फुहड़ आदमी मेरी बात सुनो, कल तुमने मुझे नेल पॉलिश कैसी लगाई थी? मेरी सारी नेल पॉलिश बाहर निकली हुई थी और मेरे फ्रेंड्स तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर हंस रहे थे। Son of a... मैं आपको आज अच्छी सी नेल पॉलिश लगा दूंगा, तो आप रिलैक्स रहें। चल अब दफा हो, जाके मेरे लिए चाय लेकर आ। आमिर कहाँ रह गए हो? आ गया जी, आ गया। ले लीजिए गर्मा गर्म चाय। ट्रे अब मेरे मुंह में ही दे दो। ओके। जाहिल इंसान मिसाल दी है, उधर रखो ट्रे। मिसाल दी, मगर मैं तो वही कर रहा था। उफो, अब चाय तो पकड़ा दो। जी जी ये लीजिए। कमीने इंसान, ये कैसी चाय बना के लेकर आए हो? तुम्हें इतने सालों में चाय तक नहीं बनानी आई? तुम और तुम्हारी माँ तो यही चाहते हो ना कि मुझे शुगर हो जाए और तुम लोगों का पीछा छूटे मुझसे। तुम दोनों को तो बहुत चैन मिलेगा ना। तू ही पी अब ये शरबत, ताकि तुम मरो और मेरी जान छूटे तुमसे। मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ना करे कि आपका साया कभी मेरे सर से जुदा हो। ज्यादा बकवास मत करो, अब जाओ और जाकर खाना बनाओ। रात का खाना किसने बनाना था? जी अभी लेके आता हूँ खाना। बड़ा आया मर्द कहीं का। और बिनेश कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारी। हाँ यार, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी। अच्छा और तुम बताओ, तुम्हारे दोनों कुत्ते कैसे हैं? दोनों कुत्ते, मेरा शोहर और टॉमी, दोनों ठीक हैं। बिनेश ये मेरा कमबख्त शोहर है। ओ
इसके जाहिल खानदान वाले इसे आमिर कहते हैं। अरे वाह, मेरे निकम्मे शोहर का नाम भी आमिर है, क्या इत्तफाक है। Really? हाँ, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी में थे तब तो तुम किसी नेम पे नहीं लाइन मारती थी। नहीं, अरे यार तुम्हें पता तो है ये जो मर्द होते हैं ना, पैर की जूती होते हैं, जो पसंद आए पहन लो। सही कहा। हाँ। Excuse me, चीनी कितनी लेंगी आप? एक चम्मच। बीनश, तुम ठहरो, मेरे पास तुम्हारी एक इमानत पड़ी है। इमानत कौन सी? अभी ठहरो, मैं लेकर आती हूँ। चलो ठीक है। हाँ, बीनश जी ये लीजिए चाय। ये लीजिए ना बिस्किट भी। थैंक यू। और बीनश जी क्या चल रहा है आजकल? बस ठीक। ओह नो, आई थिंक मैं रमशा को देख के आता हूँ। क्यों, क्या हो गया रमशा को? आ जाएगी रमशा भी, तुम बताओ। आप बैठिए ना। तुम्हारा तो कुत्ते से भी बदतर हाल है, कैसे रह लेते हो ऐसे? मेरी मानो। क्या कर रही हैं आप? मुझसे दोस्ती कर लो। ये ठीक नहीं है। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ रमशा के साथ। नजर आ रहा है मुझे तुम कितना खुश हो। बीनश जी, मैं एक मशरकी मर्द हूँ जिसकी डोली जिस बीवी के घर जाती है ना, तो वहां से उसका जनाजा ही उठता है। जनाजा। जनाजा ही सही। ठीक है फिर। अब बैठिए ना। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे साथ ही तो बैठने। ना, ऐसा मत करे। फिर ऐसे ही पड़े रहो रमशा के कदमों के नीचे। मान जाओ। क्या मान जाओ? बीनश जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, रमशा ने देख लिया तूफान आ जाएगा, प्लीज मेरी इज्जत से मत खेले, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मुझे छोड़। रमशा, रमशा, ये मुझ पे लगने मारे। खुदा का रमशा, मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहा था। ये नहीं, जब मैंने तुम्हें कुछ बताने नहीं का कहा तो माफिया मांगने लगा। ये मिठलाने मारी थी। बदकिरदार इंसान, ये कर क्या रही हो तुम कमीने? वैसे तो ये हंटर बीनश के लिए था, मगर अब तेरा वो हशर करूंगी कि पूरा जमाना याद करेगा। मुझ पे इत्मार करो मत। कमीने, धोखा देता है मुझे बदकिरदार। बशीरा, ओहो साहब जी, कितनी देर कर दी दरवाजा खोलने में, कब से बाहर खड़ी मैं सर खुरक रही हूँ। आपके घर के अलावा भी मुझे बड़े काम है, बीबी साहिबा को पता चलेगा ना तो आपको पता है आपकी कुत्ते वाली होनी है और आपके साथ साथ मुझे भी जलील करना है। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो बशीरा? क्या हमारे माशरे में मर्द की कोई भी इज्जत नहीं? काहे की इज्जत साहब जी, मर्द का तो काम ही हमारे माशरे में औरतों की खिदमत करना है। अमीर घरों की औरतें तो फिर भी बड़ी रहम दिल होती हैं, पर हम जब तक रोजाना दो चार अपने बंदे को ठोकना ना दे तो हमारा तो खाना ही हजम नहीं होता। थप्पड़ मारना और खाना, ये कैसी कुदरत ने तुम औरतों को हमारा सरपरस्त बनाया है, अब इतना भी हमें ना गिराओ कि हम अपनी नजरों से गिर जाएं। बस बस साहब जी, मेरे मुंह से कुछ सुन ना लेना, बेहतर होगा तुसी अपनी औकात विच रहो। बेगम साहबा के कानों में पड़गी ना बात तो वो हाल होने धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। बेगम साहबा को मत बताना, मुझे माफ कर दो बिचीरा। ओह नो, ये किसकी कॉल आ गई? हाँ ब्रो, व्हाट्सअप, इतने दिनों बाद याद किया। कुछ नहीं, बस मूवी देख रहा हूँ और तेरे भाभी के हाथ की बिरयानी भी टेस्ट कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी बनाती है, तू भी किसी दिन आना। हाँ हाँ, मैं कुछ नहीं फ्री हूँ, कल मिलते हैं ना, प्लान बनाते। आमिर, तुम्हारे जैसा सुस्त इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, न जाने मेरी क्या गलती थी कि मेरे माँ बाप ने मुझे तेरे पल्ले से बांध दिया। फुहड़ आदमी, इतनी देर में तुमसे एक शर्ट तक नहीं इस्त्री हो रही थी, बहुत बहुत ही लागर इंसान हो तुम। रमशा,
आइंदा मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा, हर काम तुम्हारा दिल लगा के करूंगा। अच्छा अच्छा बस, टिपिकल मर्दों की तरह रोना धोना बंद करो, अपने हाथ पांव चला लो और मेरी कमीज इस्त्री कर लो। तुमने मेरी 4,000 रुपए की शर्ट जला दी, बेड़ा गर्क हो तुम्हारा। मैंने नहीं किया। अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारे साथ ये जिंदगी नहीं गुजारनी। ऐसा मत कहो, तुम्हारे जैसे शोहर के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि मैं गली के किसी कुत्ते को पाल लूं। दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से, मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। इतनी छोटी सी बात पे तलाक क्यों दे रही हो? मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजारनी। ऐसा मत कहो कमीने इंसान, मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। तलाक मत दो, तलाक क्यों दे रही हूँ? इतनी छोटी सी बात के लिए प्लीज मुझे तलाक मत दो। दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से, मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। नहीं नहीं तलाक नहीं।